जय श्री कृष्णा। महर्षि दधीचि के त्याग की कहानी पार्ट टू। परिचय। लोक कल्याण के लिए देह त्याग करने वालों में महर्षि दधीचि का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यास्क के मतानुसार दधीचि की माता चित्ती और पिता अथर्वा थे, इसीलिए इनका नाम दधीचि हुआ था। किसी पुराण के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। अन्य पुराण के अनुसार यह शुक्राचार्य के पुत्र थे। महर्षि दधीचि तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। इनकी कथा है, कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्रासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान ना कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीचि नाम के एक महर्षि रहते हैं, यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्रासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए ऐसे प्राणी के अस्थियों से ही उसे मारा जा सकता है जो कभी भी गुस्से के पकड़ में ना आया हो। वो केवल महर्षि दधीचि थे। इंद्र का संकोच। देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीचि का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीचि के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीचि को ही हुआ था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्तियों को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीचि की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीचि के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीचि के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीचि को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताईं। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीचि का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्र लोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीचि के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए आना नहीं चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे। जय श्री कृष्ण।